मकान गिर गया, इसमें 64 पास हुए, तो इसमें जब 32 ही पास हुआ है, इसके हिसाब से हम सब लोगों ने वोट मकान नहीं तो वोट नहीं, इसके हिसाब से हमें धारा सभ्य मुख्यमंत्री और कलेक्टर के साथ रजुआत की, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। लगभग 4 साल से हम कांग्रेस वालों को करा, भाजपा वालों को करा, ये हमारी चाले ना छोटी है। अच्छा। जब वोट लेने आते हैं ना तो हाथ जोड़ते हैं। अच्छा। बाद में बोला तुम्हारी चाले में तो वोट कार्ड मिल चाहिए, तो तुम्हारी माँ ऐसी हमारी चाले में। हमने बहुत रजुआत करी, कोई सुनता ही नहीं है। सुना है की उनकी ऑफिस वगैरह भी चालू रहती है गरीबों के लिए, इसको ऑफिस को तो ताला ही रहता है, कोई ऑफिस में आता ही नहीं है। वो मुंह देखा नहीं है हमने। अच्छा, ऐसे बाहर से बाहर निकाल देते हमको। कैसा खा पटेल, उसका जो पटेल है पटेल वो गांडो भाग गया गांधीनगर। मेरी मम्मी को मारा 24 टाके, मेरे को खुद को मारा, मेरे हमारे बाप ने मारा, जिसको मिले ना सबने हमको मारा और हमको मकान नहीं दिया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है, मैं नाजी पठान। आप देख सकते हैं गुजरात के अंदर चुनाव का माहौल चल रहा है हर जगह पर। हम गुजरात के दौरे पर है, अलग अलग जगहों पे जाके जो जो जनता की तकलीफ है या जनता के जिलों में कौन राज कर रहा है, क्या चाहती है जनता, ये जानने की हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं और खास करके हमारे चैनल के माध्यम से हम आप तक बात को रख रहे हैं। मगर कुछ नवा देखने को मिल रहा है आज गोमतीपुर, जो कि दाड़ी लिमड़ा विधानसभा है, इसके अंदर ये नवा देखने को मिल रहा है। यहाँ के कुछ लोग हैं, देख सकते हैं आप, उन्होंने बड़े वो बैनर पे भी लगाए मकान नहीं तो वोट नहीं, जाहिर चेतावनी, चुप्पी नो बहिष्कार। इनका कहना ऐसा है कि हमको मकान नहीं मिलेगा तो हम वोट ही नहीं देंगे, ना हम वोट के किसी नेताओं को लायक समझते हैं। सवाल यह है, एक तरफ सरकार कहती है कि वोट जो है वो आपका अधिकार है, आप तादाद में जाकर अपना वोट दीजिए ताकि अच्छा अच्छा चुना हुआ नेता हुए जो आपका विकास करे और जो खास करके आपकी समस्या उसको अपनी समस्या समझ के आपके लिए दिन रात खड़ा रहे। मगर इनको ऐसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा या ऐसी कैसी दुविधा कोई आफत आ गई कि इनको इस तरीके का बड़ा निर्णय लेना पड़ा। हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, क्या कहना इनका और किस लिए इन्होंने इस काम को, इस चीज को अंजाम दिया। सर क्या नाम है आपका? महेश भाई। महेश भाई, क्या कारण से आपने ये बोर्ड लगाया, क्यों? इसके लिए के बार मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट आया था, उसमें हमारे मकान आ जाएंगे सर, इसमें हमारे मकान गिर गए, इसमें 64 पास हुए, तो इसमें जब 32 ही पास हुआ है, इसके हिसाब से हम सब लोगों ने वोट मकान नहीं तो वोट नहीं, इसके हिसाब से हमें धारा सभ्य मुख्यमंत्री और कलेक्टर के साथ रजुआत की, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। लगभग 4 साल से हम गुजरात सरकार के जो बराबर मिनिस्टरों के पास भी चले गए, कलेक्टर के पास भी चले गए, धारा सभ्यों के पास भी चले गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई जवाब भी नहीं देता। क्या मालूम, क्या मालूम नहीं, इसके लिए तो ये सब करना पड़ता है। अभी एक सवाल ये कि आपका जो मकान था जो बच्चा, वो कब्जा करा हुआ था या कायदे से आपका मकान था? वो सबका सबका कायदे से का ही मकान था, टैक्स बिल वगैरह। तो फिर सरकार ने क्यों नहीं दी? क्योंकि मोदी जी ने तो कहा था हम 2022 में हर एक उस व्यक्ति को जो सड़कों पे सोता है हम उनको उनका खुद का घर देंगे, खुद के घर का मालिक होगा। मगर एक तरफ घर छीनना, क्या कहोगे? एक क्या कहने का आगा था, क्या कि अभी मोदी जी बोलते हैं कि सबको मकान नहीं है, बरोबर, लेकिन जो मकान है वो ही गिरा देते, फिर मकान किसको देंगे? वो जो गरीब इंसान है सब रोज ला के रोज खाने वाले कोई दौड़ के लिए क्या बोलते हैं? खास करके यहाँ पर कौन है, ज्यादातर कौन रहता, किस कौन सी कास्ट के? दलित दलित है सब, दलित दलित ज्यादातर हमारे जो दलित भाई है, दलित भाई है, उनके ऊपर ये सब अत्याचार करते हैं ये लोग का, ये मकान है सबके, सब कागज पत्र मिलने वाले हैं। क्या लगता है जैसे कि ये दलित है इसके लिए ऐसा करा जा रहा है या क्या सोची समझी एक राजनीति, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने रजुआत करी बड़े अधिकारियों के पास, इसके लिए हम आपसे पूछ रहे हैं। कांग्रेस वालों को करा, भाजपा वालों को करा, ये हमारी चाले ना छोटी है। अच्छा। जब वोट लेने आते हैं ना तो हाथ जोड़ते हैं। अच्छा। बाद में बोला तुम्हारी चाले में तो वोट कार्ड मिल चाहिए, तो तुम्हारी माँ ऐसी हमारी चाले में वही होता। फिर नेता लोग जब आते नहीं आते, नहीं आते, वो जाने के बाद नहीं आते, एक 25 साल चले जगह भाजे अच्छी चाल में, ये तो अच्छा भाव सब में नहीं बोल चौका था। अच्छा, कोई नहीं काम करे, कोई नहीं करते,
सब हाथ जोड़ने के लिए दौड़े आते हैं। अच्छा मगर ये जो सरकार है, जिसकी सरकार, जो भी सरकार है, मेले में MRM जो भी MLA है यहाँ के, आपने उनके पास रजुआत नहीं करी है समस्या? लेकिन जो हमारे सरपंच अपने रजुआत करी। अच्छा भी नहीं सुन रहे, नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते? क्या हमारे पास कोई आगेवान नहीं, हमारे पास कोई मेन इंसान नहीं है? कौन है? यहाँ का कोई आगेवान है? आगेवान नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये आगेवान कोई नहीं है। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, जब आप लोगों को ये चीज की समस्या हो रही है तो ये एक मिनट, आप लोगों को ये जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो आपको तकलीफ हो रही है, आप वोटर्स हैं, आप वोट देते हैं, इंसान इसके लिए देता है कि अच्छा नेता आएगा, हमारा विकास करेगा, हमारी बात को सरकार तक रखेगा, अगर उसके लायक नहीं होगी तो उसके बाद भी आप लोग की कोई सुनवाई नहीं है। कोई नहीं सुनता, यहाँ ब्लैक टीवी में आओ ना, सब पहले हम तो मगवान है, यहाँ का कौन है, कौन सरकार किसकी यहाँ पर? कांग्रेस की सरकार है। हमने बहुत रजूआत करी, कोई सुनता ही नहीं है। ऐसा सुना है कि उनकी ऑफिस वगैरह भी चालू रहती है गरीबों के लिए, इसको ऑफिस को तो ताला ही रहता है, कोई ऑफिस में आता ही नहीं है वो। अच्छा, वो आता ही नहीं है आज से। हम वो तो कहते हैं कि हमने इतना सारा आया, हालांकि अभी गोमतीपुर में उनका प्रोग्राम था, तो उन्होंने कितने अच्छे अच्छे विकास बताए जो उनके द्वारा हुआ है। कोई देखो तो मेरे सामने देखो, कोई विकास नहीं है गोमतीपुर स्तर के अंदर। जेडी बैंक के चाली में हमारा मीडियम दीदी में कोई विकास ही नहीं हुआ है। पांच साल के अंदर वो दर साल वो जीत जाता है, पांच साल के अंदर वो कोई भी वापिस आता ही नहीं है। कि हेल्थ दवाखाना वगैरह जो मशीन वगैरह डाले उन्होंने, भगत सिंह हॉल बनाए और भी बहुत सारा विकास, कोई विकास नहीं है। वहां भी जाते हो ना तुम, अभी 10,000 रुपया भाड़ा है वीर भगत सिंह हॉल में, भी भाड़ा है वो, भाड़ा है वहाँ भी मफत में नहीं है। अभी हमने विकास करा है, कहाँ विकास करा है मेरे को दिखाओ ना, विकास तो हुआ ही नहीं। देखो ये पूरी पट्टी एकदम छोटी हो रही है। मगर ये जो आप लोग का मकान का मसला है, ये तो लीगल है, आप लोग का इसको तो पास होना चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ तो मेरी बात सुनो, हमारा 64 मकान में से 32 जन को दिया है। अच्छा 32 जन को नहीं दिया अभी मकान। हम 5 साल से धक्का खा रहे हैं, मेट्रो भी चालू हो गई, ट्रेन भी आ गई। हाँ ये देख सकते हैं, कैमरे मैन दिखाई है कि ये जो दिख रही है आपको कोड, जो दिख रही है मेट्रो की कोड है, ये जो आपको कोड दिख रही है मेट्रो की, यहाँ भी कोड है पूरी मेट्रो की है, और चंद ही मकान बचे हुए यहाँ पर। यहाँ वालों का ऐसा आरोप है कि जो हमारे मकान थे, जितने मकान थे हमारे मकान छीन लिए गए, बजाय उसके थोड़े बहुत हमारे को मकान दिए गए। और जब हम आज जो कुछ 32 मकान के आसपास बता रहे मिले हैं, और कुछ 64+ के आसपास के इनके मकान थे वो उनको नहीं मिले गए, उसकी रजूआत इन्होंने CM साहब के पास और कलेक्टर साहब के पास और धारा सभ्यों के पास भी रजूआत भी करी, अर्जियां भी दी, कंप्लेन भी दी, गांधीनगर भी गए, उसके बावजूद भी कोई इनकी सुनवाई नहीं है। क्योंकि ये ऐसा बोल रहे, क्यों सुनवाई क्यों नहीं हो रही आप लोगों की, कहां लिए? वो तो कोई सुनता नहीं, हम जाते हैं बराबर, जाके बोले यार तुम्हारा काम हो जाएगा, वो ये तारीख को आना, वो तारीख को आना, तुम वो तारीख हमको मिले नहीं होता। वो क्या क्या करोगी बहन? जब भी जाते तारीख दे देते, तारीख हर महीने हम जाते, कोई मिलता ही नहीं, कोई जाने ही नहीं देता। अधिकारी लोगों से मिलने भी नहीं देते, मिलने नहीं देते। एक मिनट मैं आ रहा हूँ मुंह देखा नहीं है हमने। अच्छा ऐसे बाहर से बाहर निकाल देते हमको, अरे उनको तो सैलरी मिल रही है सरकार द्वारा आपकी बात सुनने के लिए, नहीं सुनते हैं। हम तो घुसते नहीं रहते, क्या बोलते हैं? सुनो ये ना, क्या कहिए? हाँ यहाँ बराबर यह है ना, जिसको मकान था उसको मकान मिला नहीं, जिसको मकान नहीं था उन्होंने 4-4, 5-5 मकान लिए। अच्छा हाँ, तो इसपे जो अधिकारी बैठा हुआ था मकान सर्वे करने वाला, कैसा खाया पटेल, उसका जो पटेल है पटेल वो गांडो भाग गया। आप लोगों ने ऐसे करप्शन, ऐसे करप्ट अधिकारियों के ऊपर आप लोगों ने कंप्लेन अर्जी क्यों नहीं करी? कोई सुनता नहीं है, नगर दिए सब कंप्लेन दिए हमने, हमारे पास भी पूरा हुआ भी है।
हमने सबकी जरूरत कर रखी है और वही तो सबके बाद ही है हमने हमने दी है तो सुनता नहीं वहाँ क्या क्या गरीब बनिया जी क्या आप ये तो कह रहे हैं अधिकारियों ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि एक एक इंसान ने दो चार चार पांच पांच छह छह मकान लिए तो जिस अधिकारी जो अधिकारी पास कर रहा था उसको तो पता था उसके पास सर्वे था कि इतने मकान है इतने मकानों के आगे इतने लोगों ने फोटो खिंचाए हैं और इन लोग को मिलना चाहिए कागज से आधार कार्ड के नाम से स्कैन करके पूरा उसको पूरे जांच करके उसके बाद दिया जाए। तो ये जो कह रहे हैं कि पांच पांच सात सात मकान मिले क्या सही में पांच पांच सात सात एक दिन को एक जन को तीन तीन मकान मिले जिसका नहीं था ना उसको भी मैं मिले और बाहर से लेने आए उसको भी मैं मेरा खुद का मकान था मैंने जब कार्यवाही गई मैं गांधीनगर मेरी मम्मी को मारा चोरी चाके मेरे को खुद को मारा मेरे अमर बाप ने मारा जो जिसको मिले ना सबने हमको मारा और हमको मकान नहीं दिया। देखिए गांधीनगर जाना भी एक जात का समझो अपराध हो गया था कि आप गांधीनगर क्यों गए साहब के पास रजूआत करने के लिए इसके लिए हाथापाई करी गई मारपीट करी गई डराया गया धमकाया गया ताकि ताकि बात ऊपर ना उठे और बात अंदर ही बैठ जावे और जो लोगों ने कब्जा करा है मकान पर उनका कब्जा बना रहे क्योंकि अगर कार्रवाई होगी जांच में जाएगी तो उसमें अधिकारियों को भी फंसना तय है इसके हिसाब से जांच को रोकने के लिए और जो आगे कार्रवाई हो चुकी उसको दबाने के लिए महिला लोगों के साथ काफी महिला लोग आरोप लगा रही मारपीट भी हुई आगे हम पूछते क्या हुआ। हम गए ना वहाँ तो हमको 15-20 जने मेरी मम्मी को भी मारा मेरे को भी मारे और मम्मी मेरे अधिकार के लिए गई थी सब जगह जो नहीं रहते थे उसको पांच पांच मकान मिले थे मेरे को एक मकान तो मिलना चाहिए ना। आपका हक है आपका मकान मैं खुद अकेली रहती हूँ मैं दिवस हो चुकी हूँ मेरा पास सब कुछ था तो भी मेरे को मकान नहीं मिला ये लग रहा आपकी स्वरूप वही मार वही निशान है बहुत मार खाई हम लोगों ने तो हमको मकान मिलना चाहिए पुलिस ने भी आपकी मदद हम सबको मकान चाहिए हम सबके लिए मकान के लिए मकान मिलना चाहिए मकान मिलना चाहिए मकान मिलना चाहिए मकान एक एक करके हमारा क्या है कि मकान मिलना चाहिए तो वोट मिलेगा नहीं तो हम बोलो चलो क्या बोल रहे और मेरा लड़का गांधीनगर गया थे भाई ने तो सामने क्या बोला लिया क्या मैंने परमिशन लेके तुमको जाने हमको जाने नहीं दिया जाने नहीं दिए अधिकारियों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है जनता के हालांकि अधिकारी लोग जो है उनको सैलरी उनकी नौकरी जनता के वजह से जनता के टैक्स से जनता के पैसों से उनको उनकी सैलरी मिलती है उनका घर चलता है मगर जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करी जाती है और जनता की आवाज को खामोश करने की कोशिश करी जाती है जिससे जनता आगे आवाज ही ना उठा पाए ताकि भ्रष्टाचार एक तरीके का चालू रहे। क्या पूरा मामला था हमने आपको बताया यहाँ वालों का ऐसा आरोप है कि अब घर नहीं तो वोट नहीं इन लोग किसी के लायक किसी को आप लोग किसी को वोट नहीं दोगे हम लोग एक मिनट यहाँ पर जब नेता लोग आएंगे वोट मांगने के लिए तब क्या करोगे जेठिया ये देख सकते हैं आप जेठी भाई ने चाली है गोमतीपुर विस्तार है और ये एरिया का नाम क्या है राजपुर गोमतीपुर वार्ड जेठी भाई ने चाली के आसपास के आप देख सकते हो और यहाँ पर विरोध का पोस्टर भी लगा दिया गया है घर नहीं तो वोट नहीं और इस तरीके का क्या पूरा मामला था हमने हमारे चैनल के माध्यम से हमने आपको बताया। अब सरकार देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारे देश लाइव के माध्यम से नेक को वोट दीजिए एक को वोट दीजिए सच्चे को दीजिए अच्छे को दीजिए जो आपका विकास करे जो आपकी समस्याओं को अपनी समस्या समझिए उसी को वोट दीजिए। क्या पूरा मामला था हमने आपको बताया मैं मोहम्मद नाजिया पठान आप देख रहे देश लाइव अहमदाबाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।